हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग संबंध एवं फलन नाम का चैप्टर शुरू किए हुए हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में क्रमित युग्म के बारे में और समुच्चयों के कार्तीय गुणन के बारे में बता दिया था। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को कवर करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 कवर करने के लिए हमारे पास सवाल है। पहली सवाल कह रहे हैं कि यदि x बटा 3 प्लस 1, उन्होंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, क्रमित युग्म लिखा है, x बटा 3 प्लस 1 कॉमा आगे लिखा है उन्होंने y माइनस 2 बटा 3 क्या है, बराबर है 5/3 कॉमा 1/3। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस ऑर्डर्ड पेयर के क्या है, बराबर है। तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, x और y के मान को ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे। हमने आपसे क्रमित युग्म पढ़ाते समय बताया था कि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर तभी होते हैं जब उसका पहला अवयव दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव से और पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे अवयव के क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम कि दोनों पक्षों की क्या करने पर, तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना से तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x बटा 3 प्लस 1 बराबर 5/3। ठीक है, पहला अवयव पहले वाले अवयव के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहां ये 1 क्या है, प्लस चिन्ह के साथ है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात x बटा 3 बराबर 5/3 माइनस 1। ठीक, यहां क्या हो जाएगा, x बटा 3 बराबर 5, इसे हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे, इसका बटा क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 एकन्नम 3, 1 का गुणा 5 में करेंगे या आप लड़ाई का कांसेप्ट लगा दीजिए, क्या 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना, 3 हो जाएगा, बीच में कौन सा चिन्ह लग जाएगा, माइनस। ठीक है, ये रहा आपका कौन सा, लड़ाई कांसेप्ट। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ कितना हो जाएगा, x बटा 3 बराबर 5 में से 3 गए 2 बटा कितना, 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है ना, आगे देखिए, हमें दूसरे क्रमित युग्म की तुलना करनी है। ये तो x का मान रहा, y के मान के लिए क्या हो जाएगा, y माइनस 2/3 बराबर 1/3। ठीक है, ये माइनस 1/2 है ना, माइनस 2/3, इसे क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 1/3, यहाँ क्या है, माइनस है, उस पर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3, हर बराबर है, क्या है, हर बराबर है, इसलिए अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 1+2/3, अर्थात y बराबर 3/3, y बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये रहे आपका क्या, y का मान, ये रहा आपका क्या, x का मान, और ये क्या है, y का मान। इस प्रकार की आपसे अन्य सवालें भी क्या की जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, यदि समुच्चय a में 3 अवयव हैं और समुच्चय b में हमारे पास 3, 4, 5 है, तो a क्रॉस b में अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक समुच्चय है हमारे पास a, क्या है, एक समुच्चय है a, n, एक समुच्चय है a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a बराबर कितना है, 2 है, फिर यहाँ क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, उन्होंने एक b समुच्चय लिखा है, b में लिखा है उन्होंने 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b बराबर कितना हो जाएगा, 3। उन्होंने पूछा है कि a क्रॉस b, a और b के कार्तीय गुणन में, a और b के कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या, इसके लिए जो सूत्र पढ़ा था वो ये था, यदि किसी समुच्चय a में हमारे पास अवयव की संख्या p हो और दूसरे समुच्चय में हमारे पास अवयव की संख्या q हो, तो दोनों अवयव के क्रम समुच्चयों के कार्तीय गुणन में जो अवयव की संख्या होगी वो क्या होगी, p q होगी, क्या होगी, p q होगी।
तो हम लोग क्या करते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, समुच्चय में कितने अवयव हैं, दो हैं, समुच्चय बी में कितने हैं, तीन हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और गुड़े नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, दो है, और बी में कितने हैं, तीन हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, छ। अर्थात ए और बी में अवयवों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, छ होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रश्न संख्या दो था, प्रश्न संख्या तीन की ओर देखिए। प्रश्न संख्या तीन है, यदि जी बराबर सात और आठ है, उन्होंने कहा है कि एक समुच्चय है जी और उन्होंने कहा कि जी में सात और आठ हैं। आगे वो कह रहे हैं कि और एच में पांच चार दो है, एच में क्या है, एच में पांच चार दो। ठीक है, कह रहे हैं तो जी क्रॉस एच में, जी क्रॉस एच और जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, जी क्रॉस एच ज्ञात कीजिए। हमें ये दोनों क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। देखिए जी क्रॉस एच ज्ञात करना है और एच क्रॉस क्या ज्ञात करना है, जी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें क्या ज्ञात करना है, जी क्रॉस एच, जी और एच का क्या ज्ञात करना है, कार्तिक गुणन। तो जी में कितने अवयव हैं, सात है और कौन है, आठ है। फिर किसका क्रॉस करना है, एच का। एच में कौन कौन है, पांच है, चार है और कौन है, दो है। तो जी क्रॉस एच में कुल क्या हो जाएगा, सात और पांच मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, सात पांच पहला क्रमित युग्म, फिर सात किसके साथ, पांच चार के साथ। तो कितना हो जाएगा, सात और चार, फिर सात किसके साथ, दो के साथ। तो सात और कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब सात का इन तीनों से हो गया, अब किसकी बारी है, आठ की। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आठ और पांच, फिर आठ का किससे, चार से। तो आठ और कितना, चार, फिर आठ का किससे, दो से। तो आठ आठ और दो, ये क्या है हमारा, जी क्रॉस एच है। ये हमारा क्या है, जी क्रॉस एच। ठीक है, आगे बढ़े। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी। देखिए एच क्रॉस जी कैसे ज्ञात करेंगे, एच क्रॉस जी। तो एच सबसे पहले एच लिखा जाएगा, फिर कौन लिखा जाएगा, जी लिखा जाएगा। तो एच में कौन कौन है, पांच है, चार है, दो है, और जी में कौन है, जी में सात है और कौन है, आठ है। ठीक है, तो जी एच क्रॉस जी में हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले एच से अवयव लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद किससे लिखे जाएंगे, जी से लिखे जाएंगे। तो पांच का किससे लिखा जाएगा, सात से, फिर पांच का किससे, आठ से, फिर चार का किससे, सात से, फिर चार का किससे, आठ से। इसी प्रकार दो का पहले सात से, फिर दो का किससे, आठ से। ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया एच क्रॉस जी। ठीक है, ये रहे आपके जो दोनों प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उन दोनों प्रश्नों के उत्तर। पहले में क्या है, जी क्रॉस एच पूछा था उन्होंने, दूसरे में एच क्रॉस जी। ठीक है, प्रश्न संख्या तीन के ये दोनों आंसर हैं। ठीक, आगे बढ़े हम लोग प्रश्न संख्या चार की ओर। प्रश्न संख्या चार में कह रहे हैं कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथन में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बना करके लिखिए। पहली बात उन्होंने कही है कि P में यम यन है और Q में यन यम है। P समुच्चय हमारे पास क्या है, सवाल नंबर चार का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि समुच्चय P में हमारे पास क्या है, समुच्चय P है यम और यन, और समुच्चय Q है यन और यम। तो कह रहे हैं तो पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू बराबर कहा है उन्होंने, समुच्चय यमयन, समुच्चय यमयन और क्या यन यम, ये है
तो क्या बताइए, ये बात सत्य है कि नहीं है? अगर सत्य नहीं है तो इसे सत्य बना करके लिखिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग इसे नहीं देखते हैं। हम लोग सबसे पहले, हमें P दिया गया है और क्या दिया गया है, Q दिया गया है, तो इन दोनों से क्या ज्ञात कर लेते हैं, P क्रॉस Q ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, P क्रॉस Q, जब P क्रॉस Q ज्ञात करोगे तो यहाँ हो जाएगा M और क्या, N क्रॉस, यहाँ क्या हो जाएगा, N और M। तो आप देखें तो ये जो बनेगा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर P और Q का, तो M का किससे बनेगा, सबसे पहले N का बनेगा, फिर M का किससे बनेगा, M से बनेगा, फिर N का किससे बनेगा, N से बनेगा, फिर N का किससे बनेगा, M से बनेगा। इस प्रकार पहले में दो अवयव, दूसरे में भी दो अवयव, तो कुल मिला के कितने बनेंगे, चार बनेंगे। और उन्होंने सिर्फ यहाँ कितना दिया है, दो। ये बात क्या है, असत्य है, ये बात क्या है, असत्य है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि कथन को सत्य बना के लिखिए, हमने यहाँ देखिए कथन को क्या बना के लिख दिया है, सत्य बना के लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ यमयन है, यहाँ यमयम है, यहाँ यनयन है, और यहाँ यन और यम है, ठीक है ना। ये रहा आपका क्या, चौथी सवाल का पहला क्वेश्चन। चौथी सवाल में और भी प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या दो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दो में कह रहे हैं, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, ए और बी क्या है, दो अरिक्त, अरिक्त का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो अवयव है ही, रिक्त समुच्चय नहीं है, अरिक्त हैं। आगे कह रहे हैं, तो क्रमित युग्म ए क्रॉस बी, क्रमित युग्म ए क्रॉस बी युग्मो यक्स और वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार है कि यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और वाई इज एलिमेंट ऑफ बी। कह रहे हैं कि ए और बी हमारे पास क्या है, दो समुच्चय हैं जो क्या है, अरिक्त हैं, क्या है, अरिक्त हैं। ए हो गया और बी हो गया, ये दो हमारे पास क्या है, समुच्चय हैं, और दोनों क्या है, अरिक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि इनसे बनने वाले कार्तीय गुणन से बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर में यक्स और वाई लिखे हैं, क्या लिखे हैं, यक्स और वाई लिखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो यक्स है वो एलिमेंट है ए का, और वाई जो है वो एलिमेंट है क्या, बी का। मतलब ए क्रॉस बी में हमारे पास जो है वो क्या है, क्रमित युग्म है एक्स वाई, और एक्स जो है वो एलिमेंट है ए का, और वाई जो है वो एलिमेंट है किसका, बी का। तो हमने आपसे बताया था कि जो क्रमित युग्म होता है, ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, उसमें दो प्रकार के दो अवयव लिखे जाते हैं, एक पहले वाले समुच्चय से और एक दूसरे समुच्चय से। तो यहाँ जो एक्स है वो कहाँ से लिखा गया है, पहले समुच्चय से, और जो वाई है वो कहाँ से लिखा गया है, दूसरे समुच्चय से लिखा है। अर्थात ये वाली जो बात है वो कैसी है, सत्य है। बात क्या है, सत्य है। जो बात सत्य है उसमें तो हमें कुछ बनाना ही नहीं है, जो बात असत्य है उसे सही करके क्या करना था, लिखना था। तो दूसरी वाली जो सवाल है उसमें जो है कथन दिया गया है वो क्या है, सत्य है। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए इसमें एक और भी प्रश्न उन्होंने दिया है, प्रश्न संख्या तीन, चौथी सवाल का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि यदि ए बराबर समुच्चय ए बराबर एक दो और बी बराबर तीन चार, समुच्चय ए बराबर एक दो बी बराबर तीन चार, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई, बराबर फाई, क्या ये बात सत्य है? यदि ये सत्य है तो ठीक है, लेकिन यदि असत्य है तो इसे सत्य बना के लिखिए। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया है, उन्होंने ए दिया है और क्या दिया है, बी दिया है। उन्होंने हमसे कहा है कि आप बी इंटरसेक्शन फाई ज्ञात कीजिए सबसे पहले, और बी इंटरसेक्शन फाई ज्ञात करने के बाद क्या कीजिए, उसका ए से क्या कीजिए, कार्तीय गुणन कीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपको याद हो तो समुच्चय में हम लोगों ने पढ़ा था, यदि किसी समुच्चय ए का इंटरसेक्शन फाई से हो रहा हो, इंटरसेक्शन किसी अरिक्त समुच्चय से हो रहा हो, तो उसका भी आंसर क्या होता था, फाई। कैसे देखिए, अच्छा वेरीफाई भी कर लेते हैं यदि ये बात है। मान लीजिए हमारे पास समुच्चय ए है दो तीन चार, ठीक है, और एक दूसरा समुच्चय बी है जिसमें कोई भी समुच्चय ही नहीं है, जिसे क्या बोल रहे हैं, फाई, क्या बोल रहे हैं, फाई। ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों समुच्चयों में जो अवयव उभयनिष्ठ होगा वही लिखा जाएगा। तो यहां देख पा रहे हैं आप, ए में तो अवयव है लेकिन बी में कोई अवयव ही नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है तो इसका मतलब वह क्या आएगा, फाई आएगा। क्या क्या हो जाएगा, ए क्रॉस फाई, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस फाई। क्यों, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि बी इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होता है।
क्योंकि बी इंटरसेक्शन फाइव बराबर क्या होता है, फाइव होता है। अब आपको क्या मिला, ए का क्रॉस करना है फाइव से, ए का क्रॉस करना है किससे, फाइव से। अगर आप देखें तो हम लोगों ने ऐसा सूत्र भी पढ़ा है कि ए में हमारे पास कितने अवयव हैं, दो हैं, और बी में हमारे पास कितने अवयव हैं, जीरो अवयव हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी ज्ञात करना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए दो हो जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जीरो हो जाएगा, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अर्थात जो ये बात हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, फाइव हो जाएगी। फिर से ये बात क्या हो जाएगी, फाइव हो जाएगी। जब ये पूरी बात फाइव हो जाएगी तो उन्होंने भी तो कहा था ये बात क्या है, फाइव है। अर्थात उन्होंने जो बोला था वो कथन क्या है, सत्य है। वो कथन क्या है, सत्य है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव ही होगा, फाइव ही होगा। ये बात क्या उनकी, सत्य है। ठीक है, यहाँ देखिए हमने इसे क्या किया, एक्सप्लेन किया है। यहाँ अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप तो यहाँ देखिए हमने उदाहरण के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या पांच देखिए, प्रश्न संख्या पांच है, समुच्चय ए बराबर एक माइनस ए, माइनस एक और एक, उन्होंने कहा है तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए, ए क्रॉस ए बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमने आपको पिछली वीडियो में ए क्रॉस ए की ही तरह एक क्वेश्चन लगा के दिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देखिए। देखिए हम यहाँ ए बराबर समुच्चय में दिए गए माइनस एक और एक का ए क्रॉस ए ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस ए ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद जो हमें मिलेगा उसका क्या करेंगे, ए के साथ क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, माइनस एक और एक पहले समुच्चय में, दूसरे समुच्चय में भी माइनस एक और कौन, एक। अर्थात ए क्रॉस ए जो बनेगा वो क्या बनेगा, पहले तो माइनस एक का किससे, माइनस एक से, ये हो गया माइनस एक और कौन, माइनस माइनस एक, फिर माइनस एक का किससे, एक से, तो एक माइनस एक और कौन, एक, फिर क्या, एक का माइनस एक से करेंगे तो एक और क्या हो जाएगा, माइनस एक, एक का एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और एक, एक और एक। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस एक और एक, ये हो गया आपका क्या, ए क्रॉस ए। हमारे पास यहाँ दो अवयव थे, यहाँ भी दो अवयव थे, तो कुल मिला कितने अवयव बन गए, चार। अब देखिए हमें अब तीसरे को भी इसमें इंक्लूड करना है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए, तीन बार हो गया। अब हमें क्या करेंगे, इन अवयवों के साथ फिर से ए को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस एक और एक, इसका कार्तीय गुणन हमें करना है दूसरे समुच्चय माइनस एक और एक से। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्रमित युग्म का पहले अवयव से गुणा होगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस एक माइनस एक माइनस एक। अब इसकी इसी क्रमित युग्म का दूसरे अवयव से होगा, ये तो हमने किससे कर दिया, पहले अवयव से, अब इसी का किससे करेंगे, दूसरे वाले से करेंगे। ठीक है ना, जब दूसरे वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक और दूसरा वाला क्या है, प्लस एक। ठीक है, अब दूसरे क्रमित युग्म को उठाइए और फिर इन दोनों में गुणा कीजिए, तो क्या बनेगा, माइनस एक एक और माइनस एक, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक एक और एक। ठीक है, फिर तीसरे को उठाइए, तीसरे का करेंगे तो क्या बनेगा, एक माइनस एक माइनस एक, फिर इसका यहाँ करेंगे तो क्या बनेगा, एक माइनस एक और कौन, एक। फिर चौथे वाले का उठा के कीजिए तो क्या बनेगा, एक माइनस एक, ये है ना, तो क्या हो जाएगा, एक एक और फिर माइनस एक। ठीक है, इसका यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक एक। ठीक है ना, ये रहा आपका क्या, ए क्रॉस ए। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या, ए क्रॉस ए निकाला जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छह की ओर। प्रश्न संख्या सात की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या पांच के बाद प्रश्न संख्या छह। प्रश्न संख्या छह क्या है, कह रहे हैं कि यदि ए क्रॉस बी बराबर, उन्होंने
दो समुच्चय ए और बी का क्या किया है, कार्तीय गुणन किया है, और उन्होंने कहा है कि यदि ए क्रॉस बी बराबर ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करने हैं, समुच्चय ए ज्ञात करने हैं और समुच्चय क्या ज्ञात करने हैं, बी ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखिए, यदि ए क्रॉस बी में हमारे पास ये चार क्रमित युग्म है तो निश्चित रूप से पहले अवयव में या तो चार अवयव होंगे या तो दूसरे में चार होंगे और पहले में एक या तो दोनों में समान अवयव दो और दो होंगे। हम क्रमित युग्म देखते हैं, हमारे पास पहला क्रमित युग्म है ए का एक्स के साथ और ए का किसके साथ, वाई के साथ। इसका मतलब जो ए है वो पहले समुच्चय से लिया गया है। क्रमित युग्म लिखते समय हमने आपको यही बताया था कि यदि किसी भी समुच्चय किन्हीं भी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन अगर आप लिख रहे हैं तो कार्तीय गुणन में जो क्रमित युग्म लिखा जाएगा उसका पहला अवयव पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से लिखा जाएगा। तो यहाँ कौन है, पहला अवयव ए है। समुच्चय में अवयव को दोहराया नहीं जाता इसलिए ये वाला अवयव ए फिर से नहीं लिखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अर्थात ए में जो अवयव है वो कौन कौन से है, एक ए है और दूसरा कौन है, बी है। अगली बात अगर हम लोग बी देखें तो बी की क्या बात है, बी में हमें क्या लिखना होता है, दूसरे समुच्चय के अवयव लिखे जाते हैं। तो दूसरे समुच्चय में यहाँ कौन है, यक्स है, और यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ वाई है, ठीक है। यहाँ फिर से कौन है, यक्स है, यहाँ फिर से कौन है, वाई, ठीक है ना। समुच्चय में कभी भी अवयव को दोहराया नहीं जाता, ठीक है। मैं आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने सब्जी बना ली है एक बार तो उसमें दोबारा से मसाला नहीं डालेंगे, उसी प्रकार से यदि आपने समुच्चय बना लिया है तो उस समुच्चय में किसी भी अवयव को दोबारा से नहीं लिखा जाता है, जिस प्रकार सब्जी में दोबारा मसाला नहीं डाला जाता, ठीक है। आगे देखिए, यह रहा हमारा कौन, ए, और ये कौन है, बी, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, मान लीजिए a बराबर समुच्चय 1, 2, मान लीजिए समुच्चय a बराबर 1 और 2। आगे उन्होंने कहा है b बराबर 1, 2, 3, 4, और कहा है b बराबर 1, 2, 3, 4। फिर आगे उन्होंने कहा है c बराबर 5, 6, c बराबर क्या कहा है, 5 और 6। आगे उन्होंने d दिया है, d में उन्होंने कहा है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है तो सत्यापित कीजिए, क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए। पहली बात उन्होंने बोला है सत्यापित करने के लिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर, सी बराबर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मतलब पहले तो हमें बी इंटरसेक्शन सी का क्रॉस करना है ए से, फिर ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ समुच्चय पर आधारित है उनको सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। जैसे बी इंटरसेक्शन सी, देखिए ए में क्या लिखा जाना है, 1 और 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में जो अवयव क्या कर रहे हो, उभयनिष्ठ हो, वही लिखे जाने हैं। तो B और C अगर आप देखें तो B और C में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो क्या है, उभय निष्ठ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, फाई, क्या हो जाएगा, फाई। अर्थात इसमें एक भी अवयव B इंटरसेक्शन C, B को C के साथ क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो B में ऐसे कोई भी, B और C में ऐसे कोई भी अवयव नहीं है जो B और C दोनों में हो, ठीक है। देखिए आगे उन्होंने कहा है A क्रॉस B, तो हम लोग A क्रॉस B यहां निकाल लेते हैं। A क्रॉस B देखिए ए का बी के साथ क्रॉस करना है, तो ए का बी के साथ क्रॉस करेंगे तो ए का किसके साथ करेंगे, एक का किसके साथ, एक के साथ, एक का फिर किसके साथ, दो के साथ, एक का फिर किसके साथ, तीन के साथ, इसी प्रकार से ए का किसके साथ, चार के साथ, ठीक है। इसी प्रकार दो की बात करें तो दो का किससे, एक से, फिर दो का, दो से, फिर दो का, तीन से, फिर दो का, चार से। देखिए यहाँ हमारे पास दो अवयव थे, यहाँ हमारे पास कितने थे, चार थे, तो 4 × 2 = 8। यहाँ देखिए 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, ठीक है ना। सबसे पहले कैसे, एक का एक से, फिर एक का दो से, फिर एक का तीन से, फिर एक का चार से, समझ पा रहे हैं आप। फिर इसका दो का एक से, फिर दो का दो से, दो का तीन से, दो का
चार से। इस प्रकार जो बनेगा ए क्रॉस बी वो यहां लिखे हैं हम। आगे हमें क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस सी, क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस सी। देखिए ए क्रॉस सी में क्या करना है, हमें ए का सी के साथ करना है, ए का किसके साथ करना है, सी। तो ए का जब सी से करेंगे तो एक का किससे करेंगे, पांच से, क्या हो जाएगा एक और पांच। फिर एक का किससे करेंगे, छह से, एक और क्या हो जाएगा, छह। आगे किसका, दो का किससे करेंगे, पांच से करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार दो का किससे करेंगे, छह से करेंगे, दो का किससे करेंगे, छह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ए क्रॉस सी। अब हमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो आप देखें हमारे पास यहाँ एक पांच है लेकिन यहाँ एक पांच नहीं है, यहाँ एक छह है यहाँ भी एक छह नहीं है, यहाँ दो पांच है यहाँ दो पांच नहीं है, यहाँ दो छह है यहाँ भी दो छह नहीं है। इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन सामान नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ए क्रॉस बी यहाँ हमने लिखा है, ए क्रॉस सी यहाँ लिखा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन करने के लिए हमने यहाँ सीधे क्या लिख दिया, फाइव। और हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, इसे ए ही लिखते हैं। यदि ए का किसी भी समुच्चय, किसी फाइव समुच्चय के साथ आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसका भी आंसर क्या होगा, फाइव होगा। अर्थात ये क्या है, जो बात उन्होंने बोली है वो कैसी है, सत्य है, या हमने सत्यापित कर दिया LHS बराबर क्या, RHS, ठीक है। ये हो गई पहली बात। आगे उन्होंने कहा है दूसरी इसमें, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, ए क्रॉस सी यहां है। आगे उन्होंने कहा है बी क्रॉस डी का, पहले तो बी क्रॉस डी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। उन्होंने जो दूसरी सवाल बोली है, दूसरी सवाल कि ए क्रॉस सी कौन, ए क्रॉस सी उपसमुच्चय क्या, बी क्रॉस डी, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले तो बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, B का D से करना है, B का किससे करना है, D से, B का D से करेंगे तो हमें यहाँ चार आए हो, यहाँ भी चार आए हो, तो कुल मिला के कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। हम यहाँ 16 लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 16। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ये बात जो है वो सत्य है कि नहीं। A क्रॉस C उपसमुच्चय है B क्रॉस D का, इसका मतलब है कि जो B क्रॉस D है वो बड़ा एरिया है और A क्रॉस C है जो है वो क्या है, छोटा है। A क्रॉस C अगर B क्रॉस D में है तो ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। हम देख रहे हैं B क्रॉस D में क्या है, 16 अवयव है, जबकि A क्रॉस C में कितने हैं, केवल चार हैं। हम यही चार क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ एक पांच है, अगर हम B क्रॉस D करेंगे तो हमें कौन मिलेगा, एक का पांच से मिलेगा, एक का पांच से मिलेगा, मतलब एक पांच इसमें भी मिलेगा, एक पांच इसमें भी मिलेगा। आगे देखिए एक का किससे मिलेगा, छह से भी मिलेगा, देखिए एक का छह से भी मिल गया, ठीक है। फिर हमें दो का पांच से चाहिए, दो का छह से चाहिए, तो दो का किससे मिलेगा, पांच से भी मिलेगा, और दो का किससे मिलेगा, छह से भी मिलेगा। मतलब ए क्रॉस सी जो है वो उपसमुच्चय है बी क्रॉस डी का, ये बात भी क्या है, सत्य है। अर्थात हम लोग लिखना चाहे तो बता सकते हैं कि ए क्रॉस डी जो है वो जो अवयव है वो बी क्रॉस डी में भी है, अतः ए क्रॉस सी उपसमुच्चय है किसका, बी क्रॉस डी का। देखिए कुछ तो हम बना देते हैं, जैसे एक एक का पांच से करेंगे, एक पांच, फिर एक छः, फिर एक और सात, आगे बढ़ेंगे तो एक और आठ, ठीक है। देखिए एक का पांच से, एक का छः से, एक का सात से, एक का आठ से। आगे दो का किससे होगा, दो का होगा पांच से, फिर दो का किससे होगा, छः से, फिर दो का किससे होगा, सात से, फिर दो का किससे होगा, आठ से। इसी प्रकार तीन का करेंगे तो तीन का पाँच से, तीन का छः से, तीन का सात से, तीन का आठ से। इसी प्रकार चार का करेंगे तो चार का किससे, पाँच से, फिर चार का छः से, चार का सात से, चार का आठ से। इस प्रकार आपको कितने कुल मिल गए, 16 मिल गए। और ये जो ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी में भी है, इसलिए ए क्रॉस सी उपसमुच्चय है बी क्रॉस डी का। प्रसंख्या 8, प्रसंख्या 8 है कि मान लीजिए एक समुच्चय है ए, उसमें उन्होंने अवयव लिखे हैं एक और दो। एक दूसरा समुच्चय है बी, दूसरे समुच्चय बी में उन्होंने लिखा है तीन चार, क्या लिखा है, तीन चार। उन्होंने कहा है कि ए क्रॉस बी लिखिए और ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची भी बनाइए। सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी। फिर उन्होंने पूछा है कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे,
और उपसमुच्चयों की क्या सूची भी बनाइए। चलिए सबसे पहले तो हम लोग ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में हमारे पास एक का किससे हो जाएगा, तीन से, एक का किससे, चार से, दो का किससे, तीन से, दो का किससे, चार से, ये रहा आपका क्या ए क्रॉस बी। ठीक है, हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या बराबर क्या होता है सूत्र, 2n, क्या होता है 2n, जहां जो n होता है वो समुच्चय में अवयवों की क्या होती है संख्या। तो यहां देख पा रहे हैं आप हमारे पास कितने हैं, एक अवयव, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो यहां कितना हो जाएगा 2n, 2n का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास कुल मिला जुला करके 16 उपसमुच्चय होंगे। ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी 16। ठीक है, अब मैं क्या बनाना है, इनकी सूची बनानी है, क्या बनानी है इनकी सूची। तो देखिए सूची, ध्यान से देखिए, सूची बना रहे हैं उपसमुच्चयों का। उपसमुच्चयों की सूची में सबसे पहले कुछ लिखा जाता है तो वो कौन होता है, फाई होता है। अगला क्या लिखा जाएगा, समुच्चय के अवयव को एक एक करके लिखेंगे, फिर दो दो करके लिखेंगे, फिर तीन तीन करके लिखेंगे। समुच्चय हमने ये सीखा था, उपसमुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं और उसकी सूची भी कैसे तैयार करते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा कौन, एक तीन, फिर कौन, एक और चार, फिर कौन, दो तीन, फिर कौन, दो और चार। अब क्या करेंगे, दो दो बना के लिखेंगे, कैसे, दो दो, दो दो कैसे बनाएंगे, देखिए एक तीन और एक और चार, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, एक और तीन और दो और तीन, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, एक और तीन, अच्छा ये तो पूरा हो गया था, ये दूसरा है, एक तीन लिखे हैं, फिर किस क्या लिखेंगे, दो और चार, ठीक है। इसी प्रकार इसका इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ लिखिए, एक चार दो तीन, एक चार दो तीन, आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक चार का दो चार के साथ, अच्छा ये पूरा हो गया, एक चार का दो चार, ठीक है, ये और हो गया, दो दो मिलके लिखा गया। अब कैसे लिखे जाएंगे, तीन तीन कैसे लिखे जाएंगे, तीन तीन करके, तो ऐसे तीन, फिर ऐसे तीन, फिर ऐसे करके तीन तीन लिखे जाएंगे, फिर इसी प्रकार से क्या लिखे जाएंगे, एक बार चार लिखा जाएगा तो कुल आप गिन लेंगे तो गिन कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, सूची आप पूरी कर लीजिएगा आराम से। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर। मान लीजिए ए और बी में, ए और बी दो क्या है, समुच्चय है, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तीन है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, तीन अवयव है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, दो है। तो कह रहे हैं यदि यक्स और वन, वाई और वन, जेड और वन ए क्रॉस बी में है तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं कि यक्स वन ए क्रॉस बी बराबर, यक्स वन आगे कहा है उन्होंने, Y2 आगे उन्होंने कहा है Z1, क्या कहा है Z1 A क्रॉस B में है, A क्रॉस B में है तो A और B ज्ञात कीजिए। X, Y और Z भिन्न भिन्न अवयव हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि N में कितने अवयव हैं, तीन हैं, और B में कितने हैं, दो हैं, B में कितने हैं, दो हैं, तो A और क्या ज्ञात कीजिए, A और B ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए हमारे पास समुच्चय किसी भी क्रमित युग्म में, किसी भी समुच्चय के कार्तीय गुणन में, ये हमारे पास जो दिया गया वो क्या है, कार्तीय गुणन, किसी भी कार्तीय गुणन में जो क्रमित युग्म होता है उसका पहला अवयव पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से, यहाँ पहला अवयव यक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा कौन है, जेड। तो यक्स वाई और जेड जो है वो कहाँ से लिए गए होंगे, ए से लिए गए होंगे, और जो बी है उसमें कौन है, एक है, फिर कौन है, दो है, फिर कौन है, एक है, लेकिन वो एक फिर से लिखा नहीं जाएगा क्योंकि पहले ही हमने क्या लिख दिया है, एक।
समुच्चय में अवयवों को दोहराया नहीं जाता। और ये भी बात तो सत्य होनी चाहिए कि एन ए में कितने हैं, तीन है, और एन बी में कितने हैं, दो है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या सोल्यूशन, ए का मान ये है और बी का मान क्या है, 1 और 2, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 में कह रहे हैं कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने हैं, 9 है। आगे उन्होंने कहा है जिसमें -1, 0 तथा 0 और 1 भी सम्मिलित है, जिसमें क्या है -1 और 0 है और 0 और क्या है, 1 भी है। आगे कह रहे हैं है भी है समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। वो कह रहे हैं तो बताइए ए क्या होगा, ए क्या होगा। और दूसरी बात वो फिर से कह रहे हैं कि ए, अच्छा ए के शेष अवयव भी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ए के शेष अवयव भी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ए क्रॉस ए में अगर 9 अवयव हैं, ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं, तो इसका मतलब है कि ए में कौन कौन हो सकता है। देखिए ए में कौन कौन हो सकता है, ए में कौन हो सकता है, -1 हो सकता है, ठीक है, और कौन हो सकता है, 0 हो सकता है, और कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। पहले में 3 हो गए, अगर हम लोग इसका इसी के साथ करें, ए का ए के साथ ही करें, उसमें भी -1, 0 और 1 होगा। तो देखिए ए क्रॉस ए ज्ञात करते हैं तो एक का इसके का साथ करेंगे तो -1 और -1 हो जाएगा, फिर -1 का 0 से करेंगे तो -1 कौन हो जाएगा, 0, जो कि यहाँ है, अच्छा सही है। आगे देखिए -1 का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और 1, फिर 0 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और -1, फिर 0 का 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 0, 0 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 1, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़े, देखिए 0 और 1 भी मिल गया हमें। यहाँ देखिए ये पहला अवयव मिला या दूसरा, ये कितना हो जाएगा, 1 और -1, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 और कौन मिल जाएगा, 0, और आगे बढ़े तो 1 और 1, इस प्रकार यहाँ हो गया ए क्रॉस ए, ठीक है। उन्होंने कहा है एक ए ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या कर लिया, ए यहाँ ज्ञात कर लिया है, ठीक है ना। ए में कौन कौन होंगे, -1 होगा, 0 होगा और कौन होगा, 1, क्यों, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं आप हमें क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है और यहाँ भी क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब दोनों तो बराबर ही है, दोनों अवयव क्या है, बराबर, मतलब यहाँ आप समझ पा रहे हैं ये सब आपस में क्या है, बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक, दोनों एक ही समुच्चय से लिए जा रहे हैं, दोनों किससे लिए जा रहे हैं, एक ही समुच्चय से लिए जा रहे हैं। इस वजह से हमने क्या लिखा, ए में ये -1, ये 0 और ये कौन, 1। समुच्चय में अवयव को दो बार नहीं लिखा जाता, इसलिए मैंने इस 0 को इंक्लूड नहीं किया। तो फिर हमने एक क्रॉस ए निकाला जिसमें हमें जो दिया गया था वो मिल गया, ये दोनों अवयव, और जो बच गए हैं वो क्या है हमारे पास, शेष अवयव हैं, ठीक है। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम जरूर उत्तर देंगे उसका। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।